शायद सबसे जरूरी बात, देखिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ खड़े हुए हैं। ये एक दूसरे की मदद करते हैं। लोकसभा में मैंने स्वयं देखा, जब भी नरेंद्र मोदी जी को मदद की जरूरत थी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो किसान बिल हो, बीआरएस ने एकदम नरेंद्र मोदी की मदद की। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ी सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा लो लो, मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो बिल्कुल सही, केसीआर उनकी मदद करते हैं और बीजेपी इनकी मदद करते हैं। आप देखिए, मेरे ऊपर 24 घंटा आक्रमण चलता है, बीजेपी के सब नेता मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, अगर सारे के सारे बीजेपी के नेता मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं आज कुछ कमी रह गई, थोड़ा और जोरों से मुझे बोलना चाहिए, मगर केसीआर पे, उनके परिवार पे बीजेपी का कोई नेता आक्रमण नहीं करता। कोई केस नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, मिले हुए हैं दोनों। दूसरी तरफ एमआईएम है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। भाई और बहनों, दिल्ली में बीजेपी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, भूलिए मत। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, यहां पे लहर आ रही है, जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है।